गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास सेवन। आज हम मैथ में लेसन नंबर फोर में एक्सरसाइज फोर्थ ए को कंटिन्यू करेंगे। सेवन है आपका, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद द पॉजिटिव न्यूमरेटर। आपको न्यूमरेटर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। न्यूमरेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला नंबर होता है हमारा। तो माइनस का 2/3 दे रखा है, तो हम माइनस का माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, जो कि आपका पॉजिटिव न्यूमरेटर हो जाएगा, और माइनस का 3। इसी तरीके से माइनस का 13/-11 में हमने माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13/11। माइनस का 31/72 में आपने माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 31/-72। ये दो सम मैंने आपको दिए हैं, ये आपको अपना आप करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अभी हमने न्यूमरेटर को पॉजिटिव करा था, अब हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो माइनस 5/-7 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5/7। इसी तरीके से माइनस का 4/-9 है, तो इसमें माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह दोनों ऊपर नीचे तो हो जाएगा 4/9। 8/-17 से मैं आप माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस का 8/17। इसी तरीके से आपको ये वाले दो सम करने हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस माइनस का 5/9 एज रेशनल नंबर्स विद न्यूमरेटर 25 करना है आपको। तो 25 दे रखा है आपको, 5/9 दे रखा है, और आपको क्या करना है, 25 करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, पॉजिटिव 25/-45। इसी तरीके से आपको जब डिनोमिनेटर माइनस का 27 करना है, और फ्रैक्शन आपको क्या दे रखा है, रेशनल नंबर आपको दे रखा है माइनस का 5/9, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये 15 हो गया पॉजिटिव, और माइनस का 27। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपना आप करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक्सप्रेस 9/-13 एज रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। आपको न्यूमरेटर 18 करना है, तो 18 करने के लिए हमें 9 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का, तो हम 2 का ही नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 18/-26। ये दो सम आप अपना आप करिएगा। इसी तरीके से देखिएगा, 9 को आपको 72 में बदलना है तो आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब माइनस 81 को करना है तो हम यहाँ पे माइनस का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्रेस 11/13 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर माइनस का 26। 11/13 है आपका, तो इसमें माइनस 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें नीचे माइनस का 26 लाना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 22/-26। और 52 और माइनस का 65 वाला आप अपना आप करिएगा। 52 करने के लिए हमें नीचे क्या करने पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, और माइनस 65 करने के लिए माइनस 5 से मल्टीप्लाई। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है, एक्सप्रेस 125 नीचे दे रखा है, 150 द रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 25। तो ये देखिए काट के हम करेंगे, 5 से काटा हुआ है मैंने, 5 2 10, 5 5 25, 5 3 तो ये हो जाएगा 25/30। 5 वाला आप अपना आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस 128/224 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर एज फॉर द फॉलोइंग। 14 लाना है आपको, तो 128 और 2/224 को काटते जाएंगे हम, तो यहाँ पे आपका यहाँ जाके 8/14 आएगा। 14 आपको डिनोमिनेटर लाना है, तो 14 जब हमारा आ जाएगा तब हम इसको काटना बंद कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8/14। इसी तरीके से जब 28 लाना है हमें डिनोमिनेटर, फिर हम काटेंगे इसको 128/224 को, जब 28 हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा तो हम इसको रोक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16/28। ये दो सम आपको खुद करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, एक्सप्रेस 7/448/512 को आपको डिनोमिनेटर 256 करना है,
तो 256 टू से हम काट देंगे, जब हमारा 256 आ जाएगा डिनोमिनेटर तो ये हो जाएगा 224 अपॉन 256। इसी तरीके से न्यूमरेटर जब 28 करेंगे तो काटते चले जाएंगे, जब 28 न्यूमरेटर आ जाएगा तभी हम रोक देंगे तो ये आ जाएगा 28 अपॉन 32। ये दो सम आप खुद करिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे काटेंगे। जैसे मैंने ये 3 से काटा हुआ है, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 अपॉन 13। इसी तरीके से ये कटा हुआ है आपका 125 अपॉन 625, तो आंसर क्या आया 1 अपॉन 5 माइनस का 72 अपॉन 144, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका माइनस का 1 अपॉन 2। ये दो सम आप करेंगे अपना। आपकी एक्सरसाइज 4th A कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट क्लास में 4th B एक्सरसाइज करेंगे।